तो आपको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, बट आप कंफ्यूज हैं कि आखिर शुरू कहाँ से किया जाए। देखो, फाइनेंशियल फ्री होने के लिए सबसे पहली चीज जो मैं मानता हूँ कि आपके पास वो फाइनेंस वाला ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और मैं पर्सनली फाइनेंशियल एजुकेशन को अपने इंडियन फॉर्मल एजुकेशन से बहुत ही ऊपर मानता हूँ, क्योंकि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसका नाम है फाइनेंशियल वर्ल्ड, और यहाँ पे हर एक चीज पैसे से होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन बुक सजेस्ट करने जा रहा हूँ बिगिनर लेवल पे, जो मैं मानता हूँ कि आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, जो आपको फाइनेंशियल डायरेक्शन में लेके जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों लेके जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू मी द वेरी फर्स्ट बुक इज थिंक एंड ग्रो रिच। इसको लिखा है नेपोलियन हिल ने। उन्होंने क्या किया है कि वो इंटरव्यू लेते हैं उन लोगों का जो अपने लाइफ के अंदर सेल्फ मेड बनते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने 17 प्रिंसिपल डिफाइन किया हुआ है इस किताब के अंदर जो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाने के लिए। नाउ द सेकंड बुक इज रिच डैड एंड पुअर डैड, व्हिच इज रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। वेल, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट बुक। इस किताब के अंदर उन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि आखिर एक पुअर और मिडिल क्लास फैमिली कैसा एजुकेशन देती है अपने बच्चों को पैसों को लेकर, और एक वेल्दी और रिच क्लास फैमिली क्या एजुकेट करती है अपने बच्चों को पैसों के बारे में। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट बुक जो आपको पढ़नी चाहिए वो है द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन। बैबलॉन का सबसे अमीर आदमी जो कि गरीब खानदान में पैदा हुआ था, उसका जो पालन पोषण है वो बहुत ही गरीबी में हुआ था, और वो जाके बैबलॉन का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो आखिर कैसे? वेल, आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। सो दीज आर माय पर्सनल थ्री फेवरेट बुक्स।